हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन. यू वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चार हाई प्रोटीन क्विक ओट्स की ब्रेकफास्ट रेसिपीज जो बहुत टेस्टी हैं और बहुत हेल्दी हैं, स्पेशली अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई करें, क्योंकि दे आर ऑल्सो रिच इन फाइबर यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है इसके अंदर. तीन वेजिटेरियन रेसिपीज हैं और एक एग से बनी हुई है. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले है पनीर ओट्स की भुर्जी. जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए पनीर जो होता है सबसे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, और बिकॉज ये एक एनिमल प्रोडक्ट ही है, दूध से बनता है, तो ये कंप्लीट प्रोटीन है. 80 ग्राम यहाँ पर मैं पनीर यूज़ कर रही हूँ. प्रोटीन इसके अंदर हमें मिलेगा 15.4 ग्राम्स, कैलोरीज 80. यहाँ पर लो फैट पनीर मैं यूज़ कर रही हूँ. कंप्लीट प्रोटीन है, सारे के सारे अमीनो एसिड हैं इसके अंदर. और जी हाँ, आप मुझसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं पनीर की रेसिपी शेयर करने की, तो जल्द से जल्द वो भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी. उसके अलावा क्विक ओट्स मैंने लिए हैं 3 से 4 टेबलस्पून, एक अनियन, एक टमेटो और कैप्सिकम. कैप्सिकम और पनीर की जोड़ी जो है वो बहुत ही यमी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है. शुरुआत करेंगे, एक पैन में एक चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर उसे हीट करेंगे. उसमें डालेंगे एक चम्मच गार्लिक, और जब गार्लिक हल्का हल्का ब्राउन होने लगे तो हम उसमें ऐड कर देंगे प्याज. ये कटे हुए प्याज हैं, एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने यहाँ लिया है. इसे भी अच्छी तरह सौते कर लेंगे. मैं यहाँ पर नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल पैन है. कैप्सिकम मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, इसे भी सौते कर लेंगे. जो भी मैं वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ जितनी भी अपनी रेसिपीज़ में, मैं उसे हाफ कुक करती हूँ ताकि उसके न्यूट्रिशन जो है बचे रहें, पूरी तरह पकाती नहीं हूँ उसे. और वही अच्छी एक चीज़ है. तो आप भी जब भी अपनी वेजिटेबल्स को कुक करें उसे हल्का सा अनकुक्ड रहने दें, वो आपके लिए अच्छा होगा. टमाटर मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, उसे भी अच्छी तरह से हम पका लेंगे, हल्का सा सॉफ्ट करेंगे. टमाटर को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है इस रेसिपी के अंदर. मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, कोरिएंडर पाउडर आधी चम्मच, और साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ काली मिर्च 1/4 चम्मच. मैंने यहाँ पर लाल मिर्च या हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, और ये है हेल्दी. इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पूरी सब्जियों को मसाले में, अच्छी तरह से स्टर करके. और फिर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ओट्स. मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून ओट्स यूज़ किए हैं. आप 3 या 4 यूज़ कर सकते हैं, जैसे जितना आप पोर्शन अपने लिए खाते हैं. इसके अंदर मैं डालूंगी पानी. पानी भी आधे से 3/4 कप आप डालिए, जितनी कंसिस्टेंसी आप रखना चाहते हैं. कई लोग बहुत ज़्यादा गुई टेक्सचर पसंद करते हैं ओट्स का, कई लोग हल्का सा ड्राई पसंद करते हैं, तो जैसे आपको पसंद है वैसे आप इसे कुक कीजिए. ओट्स को जब हल्का सा पक जाए तब हम अपने पनीर इसमें ऐड करेंगे, और उसे पकने में मुश्किल से 1.5 मिनट, 1.5 मिनट से भी कम का टाइम लगता है. यहाँ पर मैं अपने पनीर इसमें डाल दिया है, और इसे हम अभी 45 सेकंड से 1 मिनट तक चलाएंगे, पकाएंगे इसको. और पूरी अपनी रेसिपी में मीडियम आप फ्लेम पर पकाएंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं. और अगर आप बड़ा चूल्हा यूज़ कर रहे हैं तो आप लो फ्लेम पे भी रख सकते हैं. ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है. ये है न्यूट्रिशनल फैक्ट. कैलोरीज हैं 152, और 50 से भी ज़्यादा % कैलोरीज जो हैं वो प्रोटीन से आ रहे हैं. लगभग 20 ग्राम प्रोटीन आपको इस रेसिपी से मिल रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, क्योंकि ओट्स हैं इसके अंदर, सब्जियां हैं इसके अंदर, और पनीर. तो इसे इंजॉय कीजिए, बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है. ओट्स दाल तड़का ना, ये एक यूनिक रेसिपी है जो मैं एक दिन ट्राई कर रही थी और बहुत टेस्टी बनी. 1 कप मैंने यहाँ कुक दाल ली है, 1 कप ब्रोकली और ओट्स. कुक दाल में 14 ग्राम यहाँ पर प्रोटीन है, और कैलोरी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे मैंने कहा दाल जो होता है अगेन कॉम्प्लेक्स कार्ब के अंदर आती है. आप कोई भी दाल यूज़ कर सकते हैं, चना दाल है, मूंग दाल है, धुली हुई दाल है, छिलके वाली काली दाल है, कोई भी दाल यहाँ पर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं. यहाँ तक कि आप छोले या लेफ्ट ओवर राजमा से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी. प्याज मैंने डाले सबसे पहले, और फिर उसके अंदर थोड़ी सी करी लीव्स ऐड कर दी हैं, और अब इसे अच्छी तरह से पकाना है. और फिर ब्रोकली मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, और इसे हल्का सा कुक करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है. पानी थोड़ा सा डालकर मैं कुक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे लगने लग गए हैं प्याज, और फ्लेम भी मैंने थोड़ा कम कर दिया है. जब ये ब्रोकलीज हमारी हैं थोड़ी पक जाएं तो हम इसमें दाल ऐड कर देंगे, अपनी लेफ्ट ओवर दाल है, कुक दाल है. मैं एक और रेसिपी शेयर करूंगी जहां पर मैं अनकुक्ड दाल के साथ ओट्स बनाऊंगी. उसके लिए मैंने रोल्ड ओट्स को यूज़ किया है, वो भी बहुत टेस्टी बनी थी. यहाँ पर ओट्स मैं डाल रही हूँ, कोई पानी का यूज़ नहीं कर रही. मैंने इसके अंदर कोई मसाले ऐड नहीं किए, क्योंकि मेरी दाल में जो कुक दाल है ऑलरेडी स्पाइसेस हैं. आप चाहें तो हल्का सा नमक डाल सकते हैं ऊपर से, बाकी कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. उस पर भी डिपेंड करता है आप अपनी दाल कैसे बनाते हैं.
तो ये हमारी एक और रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, ओट्स दाल तड़का। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी ब्रोकली जो है इसमें उसका क्रंच बहुत ही टेस्टी आएगा। मैंने गैस बंद कर दिया, थोड़ी देर में ही ड्राई हो जाएंगे, बिकॉज ओट्स रखे रखे भी सोखते हैं मॉइस्चर जो होता है। आप इसे सर्व कीजिए और वार्म खाइए। जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा कैलोरी की तरफ हाई है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, वेट लॉस के लिए परफेक्ट। 18 ग्राम के आसपास आपको ये मिल रहा है, क्योंकि ओट्स और यहाँ पर दाल यानी ग्रेन और पल्सेस का मिक्सचर भी आपको कंप्लीट प्रोटीन देता है, यानी इस सारे के सारे अमीनो एसिड यहाँ पर भी मौजूद हैं। स्प्राउट योगर्ट ओट सैलेड, ये भी स्पेशली समर्स के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है, आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ पर दो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, मैंने यहाँ पर ओट्स, ब्रोकली, क्यूकम्बर और टमेटो लिया है, लेकिन जो प्रोटीन मिलेगा वो मिलेगा हमें कर्ड से 10 ग्राम प्रोटीन और स्प्राउट से 7 ग्राम प्रोटीन। यहाँ भी कार्ब्स होंगे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, यानी उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो है और वेट लॉस के लिए अच्छे हैं। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है, उसमें सौते करेंगे हम अपने स्प्राउट्स को और हम अपनी ब्रोकलीज को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे, क्रंच बरकरार रहे। ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा उसे हमें सौते करना है। उसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे टू टेस्ट। मैंने यहाँ पर डाला है क्यूमिन पाउडर यानी रोस्टेड जीरा का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा चिली पाउडर टू टेस्ट। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके बाद अपने ओट्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। 4 चम्मच यहाँ पे अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम 4 टेबलस्पून। मिक्स करने के बाद मैं इसमें टमेटो ऐड करूँगी, यहाँ पर हल्का सा रोस्ट कर लूँगी मैं अपने ओट्स को अपने स्प्राउट्स और ब्रोकली के साथ, और फिर टमाटर ऐड करूँगी। इससे टमाटर का जो क्रंच है वो बना रहेगा और जो ओट्स हैं वो भी हल्के से रोस्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़रा सा भी इसके अंदर पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ इस रेसिपी में। इसे हम बंद कर देंगे और छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। जब भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे एक बड़े बोल में निकाल लूँगी और बोल में निकालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने 2 सुपर हेल्दी इंग्रेडिएंट। ये है दही, इसे हम ऐड कर देंगे, काफ़ी क्रीमी है ये, और साथ में क्यूकम्बर। आप चाहें तो क्यूकम्बर को छोटा छोटा भी काट सकते हैं, जैसा आपको इसे खाना पसंद करें वैसे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और क्यूकम्बर इसके ऊपर ऐड कर देंगे। बहुत हेल्दी सैलेड है ये, बहुत टेस्टी है, क्रीमीनेस इसके अंदर है। आप चाहें तो चिया सीड्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसे 4 ग्राम प्रोटीन और इस रेसिपी में ऐड हो जाएगा। चिया सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं वेट लॉस के लिए, फाइबर से रिच होते हैं, उनके अंदर हेल्दी फैट होता है। अगर आप चिया सीड्स खाने के शौकीन हैं या फिर अपनी डाइट में आप उसको इंक्लूड करते हैं तो इस रेसिपी में ज़रूर डालिएगा। 23 ग्राम प्रोटीन है इसके अंदर, कार्ब ज़्यादा है 240, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं तो हेल्दी हैं आपके लिए। एग्स, ओट्स, भुर्जी। एग्स और ओट्स का मिक्सचर जो है यहाँ पर वो एक मैजिक क्रिएट करेगा। मैं यहाँ पर 2 एग वाइट ले रही हूँ और 1 होल एग। 14 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा, कैलोरी 105 है इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है। और आई एम नॉट वेरी गुड एट ब्रेकिंग द एग्स, और जब एग योक मुझे सेपरेट करना होता है काफ़ी दिक्कत होती है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे हम और ध्यान रखें 1 होल एग आपको ज़रूर ऐड करना है। अगर आप चाहें तो आप 2 होल एग ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी है। इसमें भी कंप्लीट प्रोटीन है क्योंकि एनिमल सोर्स है इसका, जहाँ से ये आ रहा है। मैंने ओट्स डाले हैं उसके अंदर, 3 चम्मच यहाँ पे मैं ओट्स ले रही हूँ और मैंने अच्छी तरह फेंट दिया है एग के साथ, उसको अच्छी तरह बीट कर दिया है। मैं यहाँ कैरेट और बीन्स का यूज़ कर रही हूँ, अनियन है और उसके साथ साथ टमेटो है। एक पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल को गर्म किया है, साथ में उसमें गार्लिक ऐड कर दिया है। गार्लिक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से प्याज, यहाँ पर 1 कटा हुआ प्याज है मीडियम साइज़ का। उसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, जब वो हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तब मैं इसमें अपने बीन्स ऐड कर दूंगी और साथ ही कैरेट्स। कैरेट्स रफली चॉप है दोनों चीज़ें, किसी कोई मैंने यहाँ पर अच्छा कोई स्किल नहीं दिखाया है आपको चॉपिंग का। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये पक जाए। अगेन हाफ कुक्ड मैं रखती हूँ वेजिटेबल्स को, पूरी तरह कुक करने की ज़रूरत नहीं है अपनी वेजिटेबल्स को, उसके न्यूट्रिशंस जो है वो सारे किल हो जाएंगे। हाफ कुक्ड रखिए, सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, सॉल्ट मैंने यहाँ और एक स्पाइस मिक्स ऐड किया है और थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें टमेटोज ऐड कर दूंगी मैं और अच्छी तरह से मिला लूँगी। टमेटोज ऐड करने के बाद लास्ट में हमारे एग और ओट्स का मिक्सचर इसके अंदर जाएगा, और जैसे ही आप ओट्स और एग्स का मिक्सचर डालेंगे आप इसको फटाफट चलाकर मिक्स करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज़ ये नीचे स्टिक होने लग जाएगा। मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट लगेंगे और आपकी ये रेसिपी भी बनकर तैयार हो जाएगी।
171 कैलोरीज है, कैलोरीज में ये लो है, और प्रोटीन 20 ग्राम प्रोटीन आपको यहाँ से मिल रहा है। ये सारी रेसिपीज जो हैं हाई इन प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली, और जो एग खाते हैं इन्हें आप इंजॉय कीजिए और अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपीज पसंद आई होंगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुँच जाए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर और हमारे ट्विटर पर। तो आज के लिए इतना ही, स्टे हेल्दी स्टे फिट, बाय बाय, सी यू सून।